सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। आई नो कि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं यूट्यूब शॉर्ट्स को लेके यूट्यूब पर, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में जो कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कहा कुछ और गया उन चीजों के बारे में और एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे कुछ और चीजें हो रही हैं। सो इंट्रो को बहुत ज्यादा नहीं खींचते और सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है मोनेटाइजेशन को लेकर, कि क्या हमारी शॉर्ट वीडियोस मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी। अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब बोलता है कि आपकी शॉर्ट वीडियोस जो है वो मोनेटाइज नहीं होंगी, उन पर एड सर्व नहीं किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री वाला जो होता है ना, बॉन्ड ऐसे बन गया फिर ऐसे बन गया, तो वही एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। अगर आप जाते हैं यूट्यूब शॉर्ट के प्रॉपर जो उन्होंने फीचर दिया हुआ है और स्वाइप अप करके देख रहे हैं, सो वहां पर एड सर्व नहीं हो रहे और उस तरीके से जो यूट्यूब ने बताया वो चीजें सही लगती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एप्लीकेशन खोली यूट्यूब की और वहां पर आप ब्राउज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके सामने किसी की वीडियो आती है, आपने वो वीडियो चलाई, भले ही वो वीडियो शॉर्ट वीडियो हो, उस पर लिखा हुआ हो, हैशटैग शॉर्ट लगा हुआ हो, लेकिन कई बार अगर आप इस तरीके से वीडियो देखते हैं तो वहां पर एड रन हो जाते हैं। सो अगर एड रन हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा ही, आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज हो गई। और यहाँ पर YouTube की बात गलत होती है। अब यहाँ पर YouTube का क्या कहना है इस बारे में, तो YouTube इसमें बोल रहा है फिलहाल कि जो हमारा मशीन लर्निंग सिस्टम है, जो हमने अभी प्रोग्राम लिखे हैं, वो इतने ज्यादा उसको समझ नहीं पा रहे कि ये शॉर्ट वीडियो है क्या है। अगर आप प्रॉपरली शॉर्ट में जाके देख रहे हैं तो उसे पता है कि भाई यहाँ पर ये सारी की सारी जो वीडियोस चल रही हैं वो शॉर्ट वीडियो चल रही है। लेकिन अगर आपने किसी चैनल के प्रॉपर वहां पर उसके होम पेज पर गए, चैनल के वहां पर कोई शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर जाके आप ओपन करते हैं, तो उसके सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा यूट्यूब को फिलहाल कि यार ये शॉर्ट वीडियो है या कैसी है, तो उस पर वो एड सर्व अभी फिलहाल कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो शॉर्ट वीडियो है फिलहाल मोनेटाइज हो रही है, एक एक्सेप्शन है, जल्दी ही यूट्यूब इसको फिक्स कर लेगा आई थिंक, क्योंकि यूट्यूब ने ही बोला है कि ये थोड़ी सी बग है अभी, शायद पूरा प्लेटफॉर्म ही अलग हो जाए शॉर्ट्स का, आगे क्या होता है वो तो हमें पता नहीं है। अब दूसरी चीज आती है वॉच टाइम की, कि क्या वॉच टाइम हमारा ऐड होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो अभी मोनेटाइज नहीं है और उनको 4000 घंटे का वॉच टाइम अपना पूरा करना है। सो ऐसे चैनल्स के साथ क्या होगा कि क्या शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम होता है वो वहां पर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। सो आई एम नॉट 100% श्योर कि वहां पर ऐड होगा नहीं होगा। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है इसका, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आप चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं तो मोनेटाइज वहां पर हो जाता है, उसकी वीडियो एड वहां पर आ जाते हैं, तो इसका तो प्रूफ है, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन इस चीज का प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि उसका जो वॉच टाइम है वो आपके चैनल में एड हो जाएगा। क्योंकि यार जब उसके सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा कि ये शॉर्ट वीडियो है या कैसी है, तो डेफिनेटली सी मतलब ये चीज कॉमन है कि वो जो उसका वॉच टाइम आएगा वो वहां पर उसको एड कर देगा। ये मुझे लगता है 100% मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और मैं अभी कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकता अपने चैनल के साथ, क्योंकि वीडियोस चल रही हैं, मैं नहीं पता लगा सकता कि मेरी शॉर्ट वीडियो से जो हमारा वॉच टाइम आया है या किस वीडियो से आया, तो मैं ये पता नहीं लगा सकता, तो मैं बिल्कुल श्योर होके नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि फिलहाल जो बग चल रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब के सिस्टम को, तो उस हिसाब से आपका वॉच टाइम आपके चैनल में ऐड हो जाना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से वीडियोस आपकी आके देखता है कि भाई आपके चैनल पेज पर गया, आपकी शॉर्ट वीडियो चला ली, तो इस तरीके से आपका चैनल का जो वॉच टाइम है उस वीडियो का चैनल में ऐड हो सकता है, चांसेस हैं। जैसा मैंने बता दिया, चांसेस हैं 90%, बाकी 10% की मैं गारंटी नहीं लेता। अब बात आ जाती है कॉपीराइट क्लेम की। कॉपीराइट क्लेम में यार अभी भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, तो एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे यूट्यूब ने क्या कहा है, एक अगर आप जैसे कि खोलते हैं अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं फोन में, तो वहां पर आपको एक क्रिएट का बटन दिखाई देता है प्लस का, वहां पर क्रिएट शॉर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वहां पे जाके शॉर्ट वीडियो अपनी बनाते हैं और वहां पर कोई म्यूजिक यूज करते हैं अपनी वीडियो में, सो आपको डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा कुछ भी हो जाए, ये यूट्यूब कहता है। लेकिन अगर आपने कोई वीडियो अपनी शूट करी फोन से, फिर किसी एप्लीकेशन के मतलब थ्रू वहां पर उसको एडिट किया और पीछे कोई म्यूजिक लगा दिया, कोई सॉन्ग लगा दिया, और फिर उसको एज एन शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, सो यहां पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, भले ही वो गाना वहां पर सोर्स ने दिया हुआ हो पहले कि हाँ भाई इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर से अपनी वीडियो एडिट करके लाते हैं किसी दूसरे
प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे कि आपका काइन मास्टर हो गया, बहुत सारे हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, बोल लो कुछ भी बोल लो। तो अगर आप वहां से अपनी वीडियो का एडिट करते हैं और उसके पीछे म्यूजिक लगाते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए। और उसमें भी यूट्यूब का यही एक्सक्यूज है अभी भी कि अभी कुछ समझ नहीं आता, कई बार उसके सिस्टम को पता नहीं क्या हो चुका है। सो ये चीजें फिक्स कर ली जाएंगी। सो यही वीडियो थी, 2-3 क्वेश्चन थे ये जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं अभी भी लोगों को। सो आई थिंक कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि कॉपीराइट क्लेम आएगा नहीं आएगा, वो उस टाइम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आपकी वीडियो शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी। सो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या चैनल पर नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, फिलहाल मैं बताऊं तो डीमोटिवेट हो चुका हूं। सो प्लीज यार थोड़े से व्यूज वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतनी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।